हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक सैमसंग का 32 इंच एलईडी टीवी आया है जिसमें पैनल की प्रॉब्लम है। इसमें डबल इमेज की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा आगे मैं वीडियो में आपको बताता हूँ। और ये इसका मॉडल नंबर है UA32EH6030R। तो चलिए मैं आ गया, इस टीवी को खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसको कैसे रिपेयर किया जाएगा। तो मैंने ये टीवी को खोल लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका टी कोन है, ये इसका मदरबोर्ड है, ये पावर सप्लाई है, और ये टीवी मैंने अभी ऑन कर रखा है और अभी भी ये सेम कंडीशन में है। तो इसको रिपेयर करना कैसे किया जाएगा वो मैं दिखाता हूँ। ये पैनल की तरफ डबल LVDS जा रहे हैं, तो इस फॉल्ट के अंदर आपको वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से वोल्टेज कम बन रहे हैं या ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि पिक्चर हमारी पूरी प्रॉपर बन रही है, सिर्फ डबल इमेज का फॉल्ट आ रहा है। तो हमें इसको कैसे रिपेयर करना है मैं इसको आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक साइड का इसमें LVDS को खोल दिया है, और उसके बाद देखते हैं हमारी पिक्चर कैसी आ रही है। ये आप देख सकते हैं एक साइड ओके पिक्चर आ रही है, इसका मतलब हमारा जिस साइड का पट्टा हमने ओपन करा है उसी साइड में प्रॉब्लम है। तो इसको रिपेयर करने के लिए हमें इसमें कुछ ट्रैक ब्लॉक करने पड़ेंगे, तो ये मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ कि लेफ़्ट साइड में है या राइट साइड में ट्रैक ब्लॉक करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है हमारी। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसमें यहाँ टेपिंग करी है, पेपर टेप लगाया है, आप देख सकते हैं कितने ट्रैक छोड़े हैं। अब इसको लगा कर चेक करते हैं पिक्चर कैसी आती है। अब ये सेट ऑन किया, ये हमारी पिक्चर बिल्कुल ओके आ चुकी है। इसमें पैनल में एक लाइन है यहाँ पर, शायद आपको नज़र आ रही होगी, बाकी पिक्चर पूरी ओके है। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, एंड कीप वॉचिंग। ऑडियो जंगल।